हाँ फ्रेंड्स, सुबह के 6 बज चुके हैं, 6:30 होने वाला है। हम लोगों की सडनली तैयारी हुई है बनारस जाने की। आइए देखते हैं कौन कौन रेडी हो गया है अपने घर में। ये देखें, इसको शर्म आ गई सुबह सुबह। ये रेडी हो चुका है, ये भी मेरा बेटा, और ये भाग्यश्री जी, ये भी रेडी हैं। इनका ये लुकअप, ये देखिए। कहाँ जाना है जी? बनारस। काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर रहे लेकिन हैं। इनसे कहते कहते एकदम से प्रोग्राम बन गया। आज बाबा जी का बुलावा आया है, हम लोग निकल चुके हैं, जाने वाले हैं 5-10 मिनट से। बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हाँ, लाइक उनको करें, प्रणाम कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, हम लोगों का अचानक से प्लान बन गया है कहाँ बनारस जाने का। तो घर से हम लोग निकल गए हैं। क्या हुआ? बोलो। निकल गए हैं, अब रुक गए हैं क्योंकि बहुत देर से चलते चलते ना थोड़ा थकान लग रहा था। तो बोले हैं कि थोड़ा गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं। और वंशु भी मेरा है। ये वंशु, हाय बोल दो। हाय। तो चलिए मिलते हैं आपको कुछ देर बाद। बने रहिए तो क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो गाइस, यहाँ पर बढ़िया मसालेदार अदरक वाली चाय बनकर आ गई है, तो मैं उसको इंजॉय कर रही हूँ। तो गाइस, आपको आज का मेरा ये लुक कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और इसमें मुझे बोलना कि अच्छा लग रहा है। बिटू चिप्स कुरकुरे। वंशु का यहाँ भी मोबाइल चालू हो गया है। ये रेस्टोरेंट है। मुंह में तो कुछ है ये नहीं, इनके कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। बैठे बैठे तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई है, लेकिन क्या करेंगे, हिंदी में यही तो होता ही है। उसका खाना गिर गया, कैसे खिला रहे हैं। ये अकेले अकेले झोंकने में चालू हो गए हैं ना वसु। अच्छे से खिलाइए। अरे पपड़ी गिरी। अच्छा, मेरा खाना अभी आने वाला है, अभी नहीं आया हुआ है। तक इन लोगों का खत्म भी हो जाएगा। सो गाइस, रात में हस्बैंड जी 11 बजे ही चौपन से ही आए थे, तो उन्होंने बोला रात में 11 बजे फ़ोन करके, वो भी बोला कि कल बनारस चलना है, चलोगी? तो उनको लगा कि मैं मना कर दूंगी तो हो गया। मैंने बोला नहीं नहीं मुझे जाना ही है, तो बोले चलो ठीक है चलते हैं। तो हम लोग रास्ते पर हैं, आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ऐसा ना करें यार, कि मतलब बनारस तो जाना ही है, बस थोड़ा दूर मतलब 70-80 किलोमीटर पड़ता है विंध्याचल मिर्जापुर, विंध्यवासिनी माता का मंदिर है, तो वहाँ भी दर्शन करना है। बोली इससे अच्छी क्या बात हो सकती है यार, नेकी और पूछ पूछ। तो मैंने बोला कि हाँ बिल्कुल, वहाँ के भी दर्शन कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो हम लोग निकल चुके हैं विंध्यवासिनी माता के दर्शन करने के लिए। तो फैमिली, यहाँ पर हम लोगों ने अपना प्रसाद रेडी करवा लिया है माता जी के लिए, और हम लोग निकल गए हैं अब माता जी के दर्शन करने के लिए। तो ये है फ्रंट का दरवाज़ा, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी मार्केटिंग लगी हुई है, यानी कि पूजा का सामान सामग्री जो कुछ भी लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, और हम लोग क्या हुआ था कि 12:15 बजे में पहुँचे थे, इसलिए हम लोग फटाफट से तुरंत लाइन में अंदर भी आए थे, गेट से चले गए थे। लेकिन आप लोग देखिए फिर भी कितनी ज़्यादा भीड़ है, एकदम लगी हुई है, आगे पीछे डबल डबल धक्का मुक्की सब चल रही है। लेकिन हो गया, माता जी के दर्शन करने हैं, तो हम लोग किसी भी तरह से माता जी के दर्शन कर चुके हैं, और उसके बाद हम बाहर निकला है। आप लोग देख सकते हैं माता जी का मंदिर कितना प्यारा लग रहा है, और ये बहुत ही अच्छा बना हुआ है। चारों तरफ से जो संगमरमर जैसे पत्थरों का पूरा चारों तरफ से आप लोग देख सकते हैं, चारों तरफ बना
पहले तो हस्बैंड जी गए थे तो बोल रहे थे ये सब कुछ भी नहीं बना हुआ था, लेकिन इस बार हम लोग गए हैं तो बोले वाह यार बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोगों ने दर्शन अच्छे से किए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं घाट की ओर। तो हस्बैंड जी और वंशी भी चल रही हैं और मैं भी जा रही हूँ लोगों के साथ। तो उससे जल्दी प्लान बन गया, लेकिन यहाँ के भी दर्शन बहुत अच्छे बढ़िया से हुए। एक आदमी था जिससे जल्दी से जल्दी बात हुई, जल्दी मतलब इतना जल्दी दर्शन हम तो उधर साइड देख रहे थे। 12 बजे पहुँचते तो गेट बंद हो जाता, फिर पता नहीं वहाँ का कब खुलता है गेट, तो हम लोगों को वेट करना पड़ जाता, फिर हम लोग बनारस जाने के लिए लेट हो जाते। इसलिए हम लोगों ने फटाफट से दर्शन किए और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं, एकदम मन को बहुत ही शांति मिली है, बड़ा सुकून मिलता है। फिर हम लोग घाट की तरफ चल दिए हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सारी सामग्री वगैरह सब कुछ लगा हुआ है और बहुत ही सुंदर मार्केट लग रहा है। और हम लोग जा रहे हैं, अब देखते हैं कि यहाँ भी क्या क्या मतलब देखने को मिलता है, क्योंकि पहली बार हम लोग यहाँ आए हैं तो जो चीज़ें भी दिख रही थी तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा था। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये भी एक गेट टाइप में ओपन खुला हुआ बना हुआ है, ये भी बहुत अच्छा था। बोलते हैं हस्बैंड जी तो बता रहे थे पहले ये सब कुछ भी नहीं था, लेकिन अब देखो कितना अच्छा सब कुछ बनते जा रहा है। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं माँ विंध्यवासिनी माता के घाट में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा भी कितना अच्छा लग रहा है, घाट को कितने अच्छे से डेकोरेट किया गया है और पानी इतना ठंडा ठंडा था ना कि क्या कहना, मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब मन को बहुत ही शांति मिल रही थी। आप लोग देख सकते हैं मंदिर कितना विशाल बना हुआ है, यानी कि देखिए मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद वंशु को और हस्बैंड जी को मैंने बोला है कि जाके प्रणाम कर लीजिए, पैंट ऊपर कर दीजिए, इनको पता नहीं था, पैंट ऊपर करिए, पैंट सीधे लेके वंशु को चले गए और उसका पैर डाल दिए। तो मैंने बोला कि नहीं पहले उनको प्रणाम करिए, तो बोले कि अच्छा ठीक है, और उसके पहले प्रणाम किया जाता है तो गीला हो जाएगा, पहले पैर मत डालिएगा। तो सबसे पहले मैंने उनको बोला कि गंगा माता को पहले प्रणाम कर लीजिए, उसके बाद और वो भी देखो बोला प्रणाम करने को तो फिर उल्टे हाथ से करने लगे, फिर कहीं जाके सीधे हाथ से किए हैं। तो वंशु को भी करवा रहे थे, लेकिन वंशु बोला था नहीं वहाँ कचरा आ रहा है, मैं बोलती हूँ यहाँ सब ऐसे ही रहता है, गंगा माता है तो देखो और वैसे ही करो। अब हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं दीपदान, पंडित जी ने बोला कि अगर आए हैं गंगा घाट पर तो दीपदान भी कर लीजिए, तो हमने बोला कि ठीक है, दिए तो वगैरह लेके ही नहीं गए थे, लेकिन वहाँ पर आप जाइए तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो हम हस्बैंड वाइफ ने पहली बार मतलब पहले प्रयागराज में किया था, उसके बाद आज यहाँ पे हम लोग दीपदान कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर पंडित जी से ये चंदन लगवा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था चंदन इनका, और देख सकते हैं आप लोग पंडित जी पूरे मंत्र उच्चारण के साथ उनको चंदन लगा रहे थे और ये भी लगवा रहे हैं। वंशु को तो बोले, लेकिन वंशु रो रहा था, वो अभी नहीं लगवाया, बोला बाद में बाद में। तो देखिए इनका कितना अच्छा लग रहा है और अपनी सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे थे। उसके बाद हो गया था इनका और अब मेरी बारी थी, तो उसके बाद फिर मैंने भी लगवाया है और ये भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं कि भगवान ऐसे ही हमको जल्दी जल्दी बुलाना। तो हम गंगा घाट मतलब घाट का दर्शन करके उनको प्रणाम करके अब वापस है? निकल रहे हैं। तो गाइस आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हम गंगा घाट का दर्शन वगैरह करके उसके बाद वापस चल रहे हैं बनारस की ओर। तो आप लोग देख सकते हैं अब वंशु कहीं गया है और शॉपिंग में खिलौने ना और कुछ लेना है, तो हस्बैंड के पास दिलवा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग।